दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो नया रिलीज है 3.0, जो कि अभी टेस्टिंग में चल रहे हैं, बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो उसके अंदर हम सबको पता है भी काफी सारे नए फीचर्स हैं जो अपडेट किए गए हैं। तो आज की क्लास में से जो अपडेट किए गए फीचर्स हैं, उन्हीं में से एक फीचर है एडवांस फिल्टर का। भी हम एडवांस फिल्टर का यूज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से कर सकते हैं और कितना फायदा अकाउंटेंट को होता है उस फिल्टर का यूज करने से, यानी कि बहुत बड़ा टाइम हमारा बच जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एडवांस फिल्टर का जो यूज है, जो आने वाला रिलीज है 3.0, हम उसी में यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हमारा रिलीज चल रहा है टेली सॉफ्टवेयर का 2.1, आज के टाइम में बिल्कुल लेटेस्ट वही है, उसके अंदर भी हम एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। लेकिन उसी एडवांस फिल्टर का यूज जो रेगुलर रूप से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों को पता है भी इसकी हिडन कमांड क्या है। जो नए हैं, जिन्होंने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखना शुरू किया है या जिन्होंने अभी वर्किंग स्टार्ट करी है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पर, तो उन लोगों को उस फीचर के बारे में पता नहीं है। तो हम दोनों में डिस्कस करेंगे भी जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे चल रहा है उसके अंदर हम किस प्रकार से उसका एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे, और जो हमारा आने वाला रिलीज है 3.0, उसके अंदर हमें फायदा ये मिलेगा भी उसका जो ऑप्शन है वो हमारा शॉर्टकट हमें वही बार देखने को मिलेगा। और ये जो ऑप्शन है अभी प्रेजेंट टाइम में उसके अंदर हमारे सामने यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देता, वो उसकी हिडन कमांड है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भी एडवांस फिल्टर का यूज किस प्रकार से किया जाता है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भी हम फिल्टर का यूज कब करते हैं। तो दोस्तों, फिल्टर का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे सामने बहुत सारा रिकॉर्ड हो और उसी रिकॉर्ड में से पर्टिकुलर में कुछ ही रिकॉर्ड की छंटनी करनी हो, तब हम फिल्टर का यूज करते हैं। जैसा कि हम रेगुलर रूप से एक्सेल के अंदर फिल्टर का यूज करते हैं। मैं एक बार इस फिल्टर को यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देखोगे हमारे सामने काफी सारा रिकॉर्ड आ गया। लेकिन अब इस रिकॉर्ड में से पर्टिकुलर हमें किसी चीज को भी फिल्टर करना हो, चाहे वो अमाउंट को फिल्टर करना हो, चाहे स्टेट को फिल्टर करना हो, या पर्टिकुलर किसी के नाम से या किसी के जीएसटी नंबर से, तो उस कंडीशन में हम यहाँ से इसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमारे को किसी एक पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का ही रिकॉर्ड चेक करना है, तो लेकिन हमारे सामने काफी सारे रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड कहीं पर भी हो सकता है पूरी फाइल में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ भी यूज किया और फिल्टर का यूज कर लिया। तो फिल्टर का यूज होने के बाद में क्या करेंगे, हमें जिस जिस का रिकॉर्ड चेक करना हो केवल हम उसी को टिक मार कर रखेंगे। तो जैसे हमने वो रिकॉर्ड देखा तो पर्टिकुलर हमने जिन जिन को सर्च किया है उसी का रिकॉर्ड हमारे सामने रहेगा, बाकी सभी का रिकॉर्ड है जो हाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है वो डिलीट हो गया, हाइड हो जाएगा। तो आपको परेशानी नहीं होगी रिकॉर्ड को ढूंढने में, रिकॉर्ड को सर्च करने में, उसके डेटा का एनालिसिस करने में। तो सेम फीचर ये हमारा टेली सॉफ्टवेयर के अंदर भी काम करता है। तो टेली सॉफ्टवेयर के अंदर जो फिल्टर का जो बटन हमारे को यहाँ पर शॉर्टकट देखने को मिलेगा, वो आपको दो कंडीशन में मिलेगा। या तो आप डेबुक आपने ओपन कर रखी हो तब ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, या पर्टिकुलर आपने किसी भी पार्टी की अकाउंट का स्टेटमेंट यानी कि लेजर उसका ओपन किया हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर हम अप्लाई फिल्टर का यूज आपको कर सकते हो। ऐसा नहीं है अभी आप कोई वाउचर की एंट्री कर रहे हो और वहां पर आपको अप्लाई फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिले, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिल्टर का यूज केवल रिपोर्ट देखने के वक्त ही ज्यादातर यूज होता है। तो दोस्तों, हमने वीडियो को प्रैक्टिकल बनाने के लिए डेबुक पर चलते हैं। तो अब हम देखेंगे भी इसका यूज हम किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर काफी सारे सेल के इनवॉइस है जो इशू किए हुए और टोटल केस हमारी केस की है। तो अब कई बार ऐसा होता है भी मान लीजिए कोई कस्टमर हमारे से गुड्स हमारे से इसने परचेज किया और हमने उसका नाम है जो इनवॉइस तो उसका कैश में बना दिया, बट उस कस्टमर का नाम हमने यहाँ पर नरेशन लिख दिया। यानी कि अब मान लीजिए हमने कोई भी कस्टमर हमने यहाँ पर लिख दिया राम सिंह, ठीक है, यानी कि ये हमने राम सिंह को सेल किया हुआ है, एक्सेप्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो ये हमने 7 नंबर वाउचर है, ठीक है, 7 नंबर वाउचर के अंदर नरेशन में हमने राम सिंह लिखा हुआ है, एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमने एक इनवॉइस ये ले लिया, इस इनवॉइस के नरेशन में भी हम यहाँ पर लिख देते हैं राम सिंह, एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में एक इनवॉइस ये भी ले लेते हैं, इसमें हमारे पास ऑलरेडी जो नाम लिखा उसको हम एक बार हटा देते हैं, यहाँ पर लिख दिया राम सिंह। यानी कि इस तरीके से हमने मान लीजिए काफ़ी सारी सेल हो सकती है, कस्टमर का नाम हम नरेशन में लिख देते हैं। लेकिन अब हमारे पास मान लीजिए 500 सेल इनवॉइस है,
एक एक इनवॉइस के अंदर हमें ढूंढना पड़े भी कौन से इनवॉइस के नरेशन में हमने राम सिंह का नाम लिखा है, तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। हम एक एक वाउचर को ओपन कर करके देखेंगे, अब पता नहीं कौन से वाउचर के अंदर वो मिलेगा। तो इसके लिए हम फिल्टर का यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अप्लाई फिल्टर का, या फिर आप शॉर्टकट कंट्रोल एफ प्रेस कर सकते हो, और उसके बाद में ये कह रहेगा आपका अभी यूज करोगे आप बेसिक फिल्टर। अब बेसिक फिल्टर के अंदर क्या यूज करें, ये कह रहे हैं लुक फॉर, आपको क्या चीज सर्च करनी है। हमने कह दिया हमने राम सिंह सर्च करना है, हमने राम सिंह यहाँ पर नाम लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। तो ये कह रहा है भी आपने इतने इनवॉइस है जिनके नरेशन के अंदर आपने राम सिंह जो यूज किया हुआ है। आप सर देखोगे यहाँ पर भी आपको राम सिंह नाम मिलेगा, 3 नंबर इनवॉइस यहाँ पर भी राम सिंह नाम मिलेगा, और ये 8 नंबर इनवॉइस यहाँ पर भी आपको राम सिंह का नाम मिलेगा। तो यानी कि इस तरीके से जिन जिन इनवॉइस के नरेशन में हमने राम सिंह का नाम लिखा वही डाटा हमारे को सर्च करके देगा। अब ये जरूरी नहीं है भी केवल सेल वाउचर के नरेशन के अंदर ही आपको सर्च करेगा। अगर आपने कोई पेमेंट वाउचर कर रखी है और पेमेंट वाउचर के अंदर के नरेशन में भी आपने राम सिंह का नाम लिखा हुआ है तो भी आपको वो वाउचर यहाँ पर शो करेगा। ये नहीं है भी आपको केवल सेल, क्योंकि अभी फिलहाल हमारी डे बुक के अंदर टोटल सेल वाउचर ही है, इसलिए सेल वाउचर को ही सर्च करेगा। ये तो था एक बेसिक, यानी कि किसी चीज को नाम को सर्च करने के लिए। तो आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक आइटम का क्वांटिटी, उसका रेट, उसके नाम के नाम से, उसके टैक्स की अमाउंट के हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से आप हम इसके अंदर फिल्टर है जो लगा सकते हैं। तो इसके लिए वापस हम जैसे कि अप्लाई फिल्टर पे करते हैं, और हम यूज करेंगे अब एडवांस फिल्टर का। तो जैसे हम एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे तो सबसे ये ऑप्शन हमारे पास आएगा एडवांस फिल्टर का, और ये कहेगा कि फिल्टर रो। तो फिल्टर आप हमारे डे बुक के अंदर सारे वाउचर ही ओपन होते हैं, तो ये कह रहा है भी आपने वाउचर ओपन कर रखे हैं। अब इस वाउचर के अंदर आपको क्या चीजें सर्च करनी है, ये सारे इसने फील्ड यहाँ पर दिखा दिए। ये कह रहा है भी आप इन इन फील्ड के थ्रू है जो कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, वाउचर नंबर के हिसाब से, ऑर्डर नंबर के हिसाब से, नरेशन के हिसाब से, वाउचर टाइप नेम के अनुसार से, डेट के अकॉर्डिंग, वाउचर का इफेक्टिव डेट के अकॉर्डिंग, यानी कि बहुत सारी लिस्ट हमारे सामने है यहाँ पर। अभी आप देख सकते हो इसके नीचे ये दिखा रहा है हमें भी 102 डाटा और भी नीचे है, यानी कि बहुत सारा एडवांस फिल्टर हम सर्च कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हमने इस इनवॉइस के अंदर काफी स्टॉक आइटम सेल करी हुई है, 2 आइटम हमारे पास है स्टॉक आइटम की, तो उसके अंदर हम सर्च करना चाहते हैं स्टॉक आइटम को भी ऐसे कौन कौन से इनवॉइस है जिस इनवॉइस के अंदर क्वांटिटी हमने 5 की सेल करी हुई है। ठीक है, अब स्टॉक आइटम कुछ भी हो सकती है, तो हम यहां पर क्या करेंगे स्टॉक आइटम, यानी कि अब हमें देखने क्वांटिटी, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं भी एक्चुअल क्वांटिटी तो है, तो आप क्वांटिटी किसके हिसाब से देखना चाहते हो, बिल्कुल बराबर यानी कि 5 ही देखनी है। जिन जिन इनवॉइस के अंदर 5 की सेल हमने करी है वो डाटा हमारे सामने आए, तो इक्वल टू हमने 5 कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो अब हमारे सामने वो ही सेल वाउचर आएंगे जिनके अंदर हमने जो स्टॉक आइटम है उनकी क्वांटिटी 5 की है। किसी भी वाउचर को हम ओपन करते हैं तो ये देखो भी इसके अंदर हमारे पास ये स्टॉक आइटम 2 है, लेकिन इसमें से कोई भी एक ऐसी स्टॉक आइटम है जिसकी क्वांटिटी हमने 5 सेल करी हुई है। आप देख सकते हो ये क्वांटिटी 5 की है। सिंगल आइटम भी हो सकती है उसके अंदर, हो सकता है 4 आइटम ही हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर भी हमने ये 5 पीस जो सेल किया है, यानी कि इसके अंदर जो जो क्वांटिटी 5 की है वही रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पर आएगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पर रेट का भी देख सकते हैं भी ऐसी कौन सी स्टॉक आइटम है जिसका रेट है जो, यानी कि पर पीस का जो रेट है वो 4 रुपए का है, तो उसको भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद वापिस आपको फिल्टर डिटेल्स में आना होगा, और यहाँ पर आपने सर्च किया था इस डाटा को, ठीक है, अप्लाई फिल्टर पर आप चेक करोगे तो ये डाटा दिखा देगा। अब उसके बाद आप देखना चाहते हो रेट भी साथ में भी, 5 की क्वांटिटी तो दिखे लेकिन आपने ऐसा कौन सा इनवॉइस है जिसके अंदर क्वांटिटी 4 की लगाई है, तो आप एंड पे जाओगे, एंड के बाद वापस आप वाउचर को यूज करोगे। वाउचर के अंदर हम यूज रेट सर्च करने वाले हैं स्टॉक रेट का, ठीक है। अब रेट किसके बराबर हो, 4 के बराबर हो, एंटर प्रेस करो। तो यानी कि ये सिंगल आइटम ऐसी है, सॉरी सिंगल सेल इनवॉइस ऐसा है जिसके अंदर आपने क्वांटिटी तो 5 का रखी है लेकिन उसकी वैल्यू है जो 4 की ही है। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर फिल्टर है जो यूज किया गया। तो इसी तरीके से हम कोई स्टॉक आइटम का नाम भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्टॉक आइटम 2 स्टॉक आइटम है, उन 2 स्टॉक आइटम के अंदर हम ये सर्च करना चाहते हैं भी हमारे पास LCD 42 इंच की जो LCD है वो कौन कौन से इनवॉइस के अंदर सेल हुई है। तो अप्लाई फिल्टर,
एडवांस फिल्टर, इसके अंदर वापिस हम जाने वाले हैं स्टॉक आइटम का नेम के अनुसार। तो हम यहाँ से करेंगे स्टॉक आइटम और उसके बाद में सर्च करेंगे। अब ये कह रहे हैं स्टॉक आइटम तो आपने सर्च कर दिया, लेकिन अब स्टॉक आइटम का फील्ड क्या देखना चाहते हो भी? आप उसका नेम, उसका पार्ट नंबर, उसका कोई डिस्क्रिप्शन, उसकी यूनिट, उसकी अल्टरनेट यूनिट, ठीक है, कोई उसकी ओपनिंग क्वांटिटी, ओपनिंग रेट, वैल्यू, सीजीटी टैक्स, एसजीटी टैक्स, उसका एचएसएन कोड, किस तरीके से आप सर्च करना चाहते हो, तो वो डाटा हमारे सामने यहाँ पर इसने दिखा दिया, बहुत सारा डाटा है। लेकिन अब हमें यहाँ पर देना है उसका नाम, तो हम देंगे नेम, ठीक है, और नेम कंटेनिंग क्या हो, यह हमने हमने लिख दिया 42, ठीक है, 42 इंच, एंटरप्राइज करेंगे। तो ये कह रहा है भी आपके इतने तो परचेज वाउचर है और इतने सेल वाउचर है, जिसके अंदर आपने कोई 42 नाम की कोई स्टॉक आइटम है जो सेल करी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर ये एलसीडी 42 इंच की है और 32 इंच की है, ठीक है, और इसके अंदर मिक्स भी हो सकती है, ठीक है, और सिंगल सिंगल भी हो सकती है। तो यानी कि ये सारी इनवॉइस है जिसके अंदर हमारी कोई 42 के नाम से है जो सेल हुई हुई है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर फिल्टर के ऊपर फिल्टर है जो यूज कर सकते हैं। तो ये काफी सारा एडवांस लेवल का एक फीचर यहाँ पर हमारे सामने रख दिए, ताकि हमें कोई भी चीज को सर्च करनी हो किसी भी एंगल से, स्टॉक आइटम के नाम से, एचएसएन कोड के अनुसार, तो वो डाटा हमें यहाँ पर सर्च करके एक मिनट के अंदर दे देगा। लेकिन अब हम बात करें भी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हमारी टेली चल रही है उसके अंदर हमें फिल्टर का यूज कहाँ से मिलेगा। अब इसके अंदर तो आपको मान लीजिए हमने डे बुक ओपन थी और डे बुक के अंदर ये अप्लाई फिल्टर का ऑप्शन है, तो डे बुक तो हमारी यहाँ पर भी ओपन है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई फिल्टर का ऑप्शन है जो आ नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, एल्ट के साथ F12। तो जैसे हम एल्ट F12 प्रेस करते हैं तब हमारे सामने ये ऑप्शन आती है, रेंज इन्फॉर्मेशन इन ए रिपोर्ट, ये ऑप्शन आ जाएगा भी फिल्टर टू व्यू ओनली दोज लाइंस एंड सेटिस्फाई दी बिलो कंडीशंस। यानी कि अब यहाँ पर हम उसके अंदर की कंडीशन की यूज कर सकते हैं, वाउचर है और उसके बाद में हमारा स्टॉक आइटम का कोई नाम है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने क्या एक लिमिटेड सा ही हम फिल्टर यूज कर सकते हैं। किसके बराबर होना चाहिए, A1 के बराबर होना चाहिए, 1 के अंदर आपके पास में कोई स्टॉक आइटम आपने सेल नहीं कर रखी है। एक क्वांटिटी उठाते हैं अपने, सॉरी 1 हमने नाम दे दिया था, तो उसके हिसाब से स्टॉक आइटम का नाम 1 के नाम से कोई स्टार्ट नहीं है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें सेल की, तो हमारे सामने डाटा है कि हम एल्ट F12 यूज करेंगे, ठीक है, एल्ट F12 यूज के अंदर हमारे सामने ये सारी डिटेल आ जाएगी, लेकिन लिमिटेड डिटेल है जितनी हमारे पास 3.0 के अंदर में एडवांस फिल्टर के अंदर जो यूज करने को मिलेगी वो नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके सामने 102 तो आपके पास और हिडन है और बाकी आपके सामने इतनी और है। तो यानी कि हर एंगल से हमारा फिल्टर जो यूज होने वाला है जो आगे आने वाला रिलीज है 3.0 का। तो दोस्तों ये नया अपडेट के अंदर ये जो एडवांस फिल्टर का ऑप्शन है ये आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।